नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले, आज मधुपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। 10:40 पर 2 सेकंड के लिए भूकंप आया। भूकंप का एहसास कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोग इसे महसूस नहीं कर पाए, लेकिन यह भूकंप के झटके मात्र 2 से 4 सेकंड के लिए ही थे। किसी भी जान माल की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही भूकंप आया लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने साथी व अपने परिवारजनों से इसकी सूचना का आदान प्रदान करने लगे। मधुपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में इसके असर को लोगों ने महसूस किया और दूर दराज रह रहे लोगों को लोगों ने इसकी सूचना दी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। 15 व 16 जून को देवघर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासमागम का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर मधुपुर ब्राह्मण समिति व ब्राह्मण समाज ने एक बैठक की। इस अवसर पर पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर, उनके सहयोगी व मधुपुर शेखपुरा निवासी कथावाचक उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज के नेतृत्व में आज एक बैठक की गई। इस बैठक में ब्राह्मण समिति का एक गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग 15-16 जून को इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में महासमागम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। इसको लेकर के जो भी तैयारियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसमें सबों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय खेड़िया धर्मशाला में रविवार को देवघर में आगामी 15-16 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ब्राह्मण महासमागम की तैयारी को लेकर विमल कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ब्राह्मणों में धर्मनिष्ठा एकता बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मधुपुर सारठ करो मार्गोमुंडा देवीपुर क्षेत्र के दर्जनों गाँव के ब्राह्मण प्रतिनिधि उपस्थित हुए। एक स्वर में सभी ने निर्णय लिया कि देवघर में आयोजित होने वाले ब्राह्मण महासमागम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश स्तर के ख्याति प्राप्त विद्वान संत महात्मा समेत विभिन्न राज्यों से ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे। सभी ब्राह्मणों जैसे मैथिल, कानिकुब्ज, क्षत्रिय, मारवाड़ी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधकर उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान का प्रयास किया जाएगा। आयोजन समिति के महामंत्री कथावाचक उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज ने कहा कि समाज के वंचित छात्र छात्राओं को समुचित शिक्षा, असहाय परिवार को सहयोग, कन्या विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत, संस्कार आदि सामाजिक कार्यों के लिए हम सभी ब्राह्मणों को एकत्रित होना होगा। हमारा यह प्रयास है कि झारखंड में अन्य राज्यों की तर्ज पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करे ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिले। मौके पर धर्मरक्षिणी सभा के उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा, शंकर मारवाड़ी समाज के उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, अशोक मिश्र, नंदलाल तिवारी, अरविंद कुमार तिवारी, जटाशंकर तिवारी, अजित कुमार तिवारी, महेश मिश्रा, दिलीप कुमार तिवारी, राजेश कुमार तिवारी, कृष्णानंद तिवारी, भोलानाथ तिवारी, राजकुमार तिवारी, आदित्य तिवारी, सुभाष पांडे, विनोदानंद तिवारी, अक्षय कुमार मिश्रा उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासमागम की सफलता के लिए पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर तथा कथावाचक उज्ज्वल सांडिल्य की देखरेख में अनुमंडल स्तरीय समिति की भी गठन की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पंचमंदिर निवासी अक्षय कुमार मिश्रा को अध्यक्ष व रेफरल अस्पताल रोड निवासी शिक्षक विमल कुमार पांडे को महामंत्री मनोनीत किया गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोदानंद तिवारी, महेश मिश्रा, रामचंद्र झा, राजेश तिवारी, मंत्री संतोष तिवारी, सिद्धार्थ तिवारी, आदित्य तिवारी, भोलानाथ तिवारी, अमित पांडे, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, संगठन मंत्री मुकेश मिश्रा, नंदलाल तिवारी, राधेश्याम मिश्रा, प्राण तिवारी मनोनीत किए गए। मधुपुर स्तर पर शीघ्र पंचमंदिर स्थित रानी सती मंदिर में भावी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर व इसकी सफलता हेतु सबों को दायित्व सौंपने को लेकर एक बैठक आयोजित होगी। आज की बैठक जो रखी गई ब्राह्मण महासमागम की, इसकी क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कार्यक्रम है? हम सभी प्रकार के ब्राह्मणों का एक महासमागम बाबा बैद्यनाथ धाम की पुण्य भूमि में आयोजित कर रहे हैं। इस समागम का मुख्य उद्देश्य ये सभी ब्राह्मण एकत्रित हों, संगठित हों और अपनी ज्ञान और ऊर्जा का लाभ अपने समाज के साथ साथ इस देश और राज्य को दें। आज जो हमारा देश विश्वगुरु बनने का स्वप्न देख रहा है वो हम
हमारे पूर्वजों की ही देन है और हम अपने पूर्वजों की इस देन को भूलकर भौतिकवादी संस्कृति में बहते जा रहे हैं। अपने उस ब्राह्मणत्व को बचाने के उद्देश्य से सभी ब्राह्मणों का एक विशाल समागम देवभर में हो रहा है, जिसमें मैथिल, कानपुर, बंगाली, गौड़ीय, सारस्वत, दक्षिण भारतीय, गुजराती, राजस्थानी सभी ब्राह्मण हम लोग मिल करके सभी ब्राह्मण एक हैं। बस पहला संदेश तो ये हम लोग देना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है और बड़ा समागम हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश स्तर पर? अगले महीने अर्थात 15-16 जून को देवघर में शिवगंगा तट पर नेहरू पार्क में विशाल और भव्य ब्राह्मण महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय स्तरीय महासमागम है। इस समागम में देश विदेश के अच्छे अच्छे ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथियों के रूप में पधारेंगे और आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में ब्राह्मण यहाँ एकत्रित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ में नगर भ्रमण का कार्यक्रम, बाबा वैद्यनाथ की सामूहिक पूजा इत्यादि कई कार्यक्रम रखे गए हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि चर्चा का विषय रहा है, ब्राह्मणों को संगठित करना, ब्राह्मण संगठित हो। जिस प्रकार कहा जाता है कि भाई हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में पहले भारतीय हैं, उसी प्रकार हम मैथिल, कानकुब्ज, सारस्वत इत्यादि श्रोत्रिय सब बाद में हैं, पहले हम ब्राह्मण हैं। यह भावना विकसित होनी चाहिए लोगों में और हम नेताओं के लिए केवल उपयोग को भोग की वस्तु न रह जाए कि वो हमारा यूज करके हमें थ्रो कर दें, इसलिए हम संगठित हों। और साथ में हम संगठित रहेंगे तो हमारा प्रत्येक कार्य, चाहे समाज का, समाज में जो गरीब विद्यार्थी हैं अथवा समाज में जो अभावग्रस्त लोग हैं, उन सबकी बात सुनी जाएगी, उनकी सहायता के लिए संपूर्ण समाज समग्र होकर एक साथ आगे आएगा।